अमेरिका में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है, लेकिन अब भी यहां तेजी से केस बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा कि अमेरिका लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम जल्द ही 5 करोड़ टेस्ट पूरे कर लेंगे। हमारे बाद सिर्फ भारत ही है जो सबसे अधिक टेस्ट कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, अमेरिका में सबसे अधिक केस इसलिए है क्योंकि हम सबसे अधिक टेस्ट भी कर रहे हैं। जल्द ही हम 50 मिलियन टेस्ट का आंकड़ा पूरा कर लेंगे। हमारे बाद सिर्फ भारत ही है जो सबसे अधिक टेस्ट कर रहा है। भारत ने करीब 12 मिलियन टेस्ट किए हैं। उसके बाद कई ऐसे देश हैं जो अभी भी 6-7 मिलियन पर ही पहुंच पाए हैं। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 12 लाख के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 600 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 11,92,000 के पार पहुंच गई है, जिसमें से 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि कोरोना से अब तक 7,53,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि अभी भी एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से अधिक है। भारत में अब तक 1,47,00,000 से अधिक सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार अब जल्द ही खत्म हो सकता है। देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोरोना वायरस की वैक्सीन का उत्पादन का काम कर रहा है। जानकारी के मुताबिक इस वैक्सीन के 1 करोड़ डोज बनकर तैयार है। वहीं दुनिया भर में करीब 1 अरब वैक्सीन बनकर तैयार है। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया में वैक्सीन तैयार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। सीरम ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई वैक्सीन को बनाने के लिए बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी एक्स्ट्राजेनेका के साथ पार्टनरशिप की है। ऑक्सफोर्ड की इस वैक्सीन का ट्रायल अगस्त के अंत तक 1500 भारतीय स्वयंसेवकों को किया जाएगा। नवंबर तक ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के आखिरी नतीजे आने की उम्मीद है। देश के अन्य राज्यों की तरह असम में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। असम का जेल भी इससे अछूती नहीं है। जेल में अब तक 400 से अधिक कैदियों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद राज्य सरकार ने सभी जेलों में कोविड-19 सेंटर स्थापित करने का फैसला लिया है। असम में तेजी से कोरोना के बढ़ते मामलों के देखते हुए असम सरकार ने राज्य के प्रत्येक जेल में कोविड-19 केयर सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। गुवाहाटी सेंट्रल जेल में पहले ही कोविड-19 सेंटर बनाया जा चुका है और जेल के अंदर राज्य सरकार के निर्देशों का पालन भी किया जा रहा है। राज्य में कुछ कैदियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल से भागने की कोशिश के बाद सरकार ने हर जेल में कोविड-19 केयर सेंटर स्थापित करने का यह फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए नगरीय क्षेत्रों में लॉकडाउन का फैसला लिया गया। राजधानी रायपुर में भी आज से लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन की 18 गाड़ियों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। ये मार्च शहर के कई इलाकों से होकर गुजरा। फ्लैग मार्च में पुलिस जवानों के साथ ही आर्म्स फोर्स के कमांडो भी तैनात थे। मार्च में कलेक्टर और SSP भी मौजूद रहे।